वालेकुम जी ट्रैवल ग्रो की एक और वीडियो में हुश आमदीद मेरा नाम है मोहम्मद बनारस और उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर वफ़ी से होंगे दोस्तों सऊदी हुकूमत की जानब से बहुत बड़ी अपडेट लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद जो पाकिस्तानी एक साल डेढ़ साल दो साल से पाकिस्तान में फंसे हुए थे और सऊदी हुकूमत की जानब से डायरेक्ट फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट ले कर आया हूँ कि सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान समेत छः ममालिक अपना जो फ़्लाइट ऑपरेशन है डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन है वो बहाल कर दिया है यकम दिसंबर से बाकायदा तौर पर जो फ़्लाइट्स हैं वो शुरू कर दी जाएंगी तो इस हवाले से अगर एविडेंस की बात की जाए तो मैंने एक वीडियो पहले पोस्ट कर रखी है वो आप देख सकते हैं उसमें मैंने बताया था कि मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि सऊदी हुकूमत ने जो फ्लाइट्स हैं वो बहाल की हैं या नहीं लेकिन इस वीडियो में मैं आप दोस्तों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इस वाक इस वक्त मेरे पास जो है वो एविडेंस मौजूद है मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ कि सऊदी हुकूमत की जानब से बाकायदा ऐलान कर दिया गया है और एविडेंस आपके पास आ चुका है कि बाकायदा तौर पर फ्लैट जो हैं वो बहाल कर दी जाएंगी यकम दिसंबर से पाकिस्तान समेत छः कंट्रीज़ में छः कंट्रीज़ के लिए जो है फ़्लैट ऑपरेशन बहाल किया गया है यानी अब आपको किसी भी मुल्क में चौदह दिन स्टे करके और सऊदी अरब में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है तो दोस्तों ये तो वो अपडेट थी कि जो सऊदी हुकूमत की जानब से आई है और वाकई ही यकीन ये बहुत बड़ी अपडेट है उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में फंसे हुए थे और सऊदी अरब जाने के लिए इंतज़ार में थे लेकिन दोस्तों चंद बातें हैं डायरेक्ट फ़्लाइट्स के हवाले से मैं आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ सबसे पहले ये कि आप सिर्फ़ डायरेक्ट फ़्लाइट लेके पहुँच नहीं जाएँगे आपने वहाँ पर पाँच दिन का क्रंताना करना है जिसका ख़र्चा कम अज़ कम जो है वो सत्तर अस्सी हज़ार से ऊपर आने वाला है जो कि पाँच दिन ने का होगा क्योंकि जो सऊदी हुकूमत ने होटल्स मंतहब किए हैं वो काफ़ी महंगे होटल्स हैं एक तो बात ये जहन में रख लें कि जिन दोस्तों ने डायरेक्ट फ्लाइट ऐशू करवानी है डायरेक्ट टिकट ईशू करवानी है उन्होंने पाँच दिन का कोर्नटीन भी करना है जिसका खर्चा जो है वह कम अज़ कम अस्सी नब्बे हज़ार से ऊपर का आने वाला है तो वो भी अपने जहन में ज़रूर रखें और दूसरे मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस सुबह आए थे कि सर हम टिकट लेके पहले से ही दुबई में मौजूद हैं चौदह दिन हमने पूरे करने हैं और अब डायरेक्ट फ़्लाइट्स ओपन हो गई हैं अभी हमें यहाँ पे तीन चार दिन ही हुए हैं तो क्या हम अपनी टिकट जो है डायरेक्ट में कन्वर्ट करके और जा सकते हैं यकम दिसंबर को चौदह दिन बगैर कम्प्लीट किए तो उन दोस्तों के सवाल के जवाब में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाई आपने वहाँ जा के भी अगर आप चौदह दिन ना कम्प्लीट करेंगे तो आपने यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट ले भी यकम दो दिसंबर को जब जाना है तो पांच दिन क्वारंटीन तो करना ही करना है ऊपर से उसके जो अलहदा चार्जेस हैं वो भी आपने पचास साठ हज़ार सत्तर हज़ार जो है वो पे करने हैं तो आप खुद को मुसीबत में ना डालें बल्कि आप यहाँ पे ही यानी दुबई में ही अपना चौदह दिन मुकम्मल करें अगर आप वहाँ पहुँच चुके हैं तो चौदह दिन आराम से मुकम्मल करें और मामूल के मुताबिक उसी फ़्लाइट पे जो आपकी पहले ऑलरेडी इशू है उसी फ़्लाइट पर उसी टिकट पर आप ट्रैवल करके सऊदी अरब जाएँ क्योंकि जब आप यहाँ पर चौदह दिन, दिन कम्प्लीट करके जाएंगे तो फिर आगे आपका क्वारंटीन करने का मकसद ही नहीं बनता और ना ही आपने कोई इजाफी चार्जस फिर पे करने हैं तो बड़ा अच्छा तरीका है आप वहाँ पे ही अपना ए, स्टे करें और फिर आगे जो है वो आप एंटर हो जाएं सऊदी अरब के लिए तो ये वो बहुत बड़ी अपडेट थी और चंद ज़रूरी बातें थी जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाही तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आप सबसे पहले देख सकें तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपने प्यारों का ख्याल रखें मुझे भी दुआ में याद रखिएगा मिलते हैं एक नई वीडियो में अल्लाह हाफिज़